बस्मरिम्स वेलकम टू माई चैनल वी आर लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नैटवर्क एंड टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम ऑपरेटिंग हैज़ मैनी कम्पोनेंट्स टू मैनेज ऑल ऑफ द सिस्टम टू इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ़ द प्रोग्राम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आई मीन जो जो डिफरेंट रिसोर्स हैं उनको मैनेज किस तरह करना है किन किन वेज़ में जाकर उसकी मैनेजमेंट करनी है ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स में लाई करते हैं जिनमें प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाती है मेन मेमोरी मैनेजमेंट आती है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट प्रोटेक्शन सिस्टम नेटवर्किंग एंड कमांड लाइन इंटरप्रेटर तो दीज आर ऑल कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलिए वन बाय वन इन सबको देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की अ प्रोसेस बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन आपके सिस्टम में कोई सा भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है ठीक है प्रोग्राम फाइल पड़ी हुई है जब आप उसको रन करवाते हो एग्जीक्यूट करवाते हो तो वो एक प्रोसेस बन जाता है इट मैनेज एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज लाइक सी पी यू टाइम टू वेरियस प्रोसेस इन द मेमरी प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोसेसिज एट अ टाइम रन हो रहे होते हैं उनको मेमरी में जगह देता है इसके अलावा सी पी यू का टाइम भी देता है फॉर एग्जाम्पल आप एक वक्त में गूगल भी चला रहे हो एक वक्त में माइक्रो एम एस ऑफिस भी यूज़ कर रहे हो या वीडियो कोई देख रहे हो आडियो सुन रहे हो लाइक डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हो processes आप रन करवा रहे हो तो उन सबको मेमोरी में जगह देना और सीपीयू का टाइम देना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है और ये प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है इट डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस इसके अलावा ये सारी स्टेट्स जो है वो भी बताई जाती हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ सिस्टम एंड यूजर प्रोसेस ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने यूज़र के या सिस्टम के जो सभी प्रोसेसेस हैं उनको कैसे क्रिएट करना है और उनको कैसे डिलीट करता है इसके अलावा सस्पेंशन और रिजम्पशन ऑफ द प्रोसेसेस मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस कम्युनिकेशन और इसके अलावा डेड को हैंडल करना भी प्रोसेस मैनेजमेंट में ही आता है और ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है इसके बाद बात करते हैं मेन मेमोरी मैनेजमेंट की मेन मेमोरी मीन जो रैम होती है जो टेम्परेली हम लोग डाटा जहाँ पर स्टोर कर रहे होते हैं उसको भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है और वो कैसे करता है मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी ठीक है कि हम अपनी जो मेन मेमोरी है उसको कैसे बेस्ट वे में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं रैम इज़ यूज टू स्टोर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस टेम्प्रोरी इन द मेमोरी अगर हम देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या का काम करता है ये एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है मेन मेमोरी में ठीक है जो भी प्रोसेस आप लेकर आ रहे हैं उनकी एलोकेशन डी एलोकेशन को हैंडल कर रहा होता है इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फॉलोइंग मीन के ये ये चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ये काम वो परफॉर्म करेगा जिसमें नंबर वन पे आता है कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ़ memory इज़ करंटली being used एंड by whom ठीक है जिसमें इसको पता होता है कि memory में अगर ये हमारे पास memory है और उस memory में कितना पार्ट जो है वो used है ठीक है occupied है और कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन सी जो है वो processes उसको ऑकुपाई किए हुए हैं ठीक है इसके अलावा डिसाइडिंग विच प्रोसेस टू लोड मेमोरी व्हेन इट इज़ फ्री ठीक है जैसे ही वो अवेलेबल होती है मीन फ्री हो जाती है मेमोरी कोई प्रोसेस चला जाता है मेमोरी में से तो जगह मिल जाती है तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कौन से नए प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड करना है इसके अलावा डिसाइडिंग हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी अलॉटेड टू द प्रोसेस ठीक है इसके अलावा ये डिसाइड कर रहा होता है कि जो उनसे भी प्रोसेस मेमोरी में आएगा उसको कितनी स्पेस एलोकेट करनी है ठीक है इसके अलावा एलोकेशन मेमोरी स्पेस एट नीडी जैसे ही जरूरत होती है तो मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना मेन जब मेमरी से वो चीज़ डिलीट कर दी जाती है ठीक है मेमरी को फ्री कर दिया जाता है तो उसको डी एलोकेट करते हैं ठीक है थीके? जब कोई प्रोसेस हम लोग कैंसिल करते हैं या क्लोज कर देते हैं तो वो डीएलोकेट हो जाती है मेमोरी स्पेस तो इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डील कर रहा होता है इसके बाद सम ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क एज अ मेन मेमोरी ठीक है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि रैम की बजाय अपनी हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी स्टोरेज जो एरिया होता है वहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो है वो एज अ मेन मेमोरी कंसीडर कर लेते हैं उसको उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड द वर्चुअल मेमोरी ठीक है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि हमारे हम लोग वर्चुअली कह लेते हैं कि हमारी मेन मेमोरी है होती है, वो हार्ड डिस्क है वहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हम रख लेते हैं एज अ रैम ठीक है अ पार्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस इज़ इन रैम तो जिससे क्या होता है कुछ पार्ट रैम के अंदर रन हो रहा होता है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो हार्ड डिस्क पर जो वर्चुअल मेमोरी बनी हुई है वहाँ पर स्टे कर रहा होता है द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज एड वर्चुअल मेमरीज नोन एज स्वैप फाइल तो वो एरिया जहाँ पर हार्ड डिस्क का वो एरिया जहाँ हम लोगों ने वर्चुअल मेमरी जिसको कंसिडर किया है जिसको हम लोगों ने अपनी मेन मेमरी बनाया उसको swap file है उसको स्वैप फाइल बोलते हैं और द अमाउंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्वैप एट अ गिवन टाइम नोन एज द पेज और उस स्वै स्वैप फाइल में से हम जब इंस्ट्रक्शन निकाल के मेन मेमरी में, में, में लेकर आते हैं तो उसको पेज बोलते हैं और इस प्रोसेस को पेजिंग बोलते हैं जब हम लोग स्वैप फाइल से अपना डाटा लेकर ले आ रहे हो एक पेज को लेकर आ रहे हैं फिर दूसरे पेज को लेकर आ रहे हैं लाइक दैट द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेस्टेड इन द पेजिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन इज नोन एज द थ्रैशिंग ठीक है एक ऐसा टॉपिक है थ्रैशिंग क्या है कि जब हम लोग पेजिंग का ही काम कर रहे होते हैं हम लोग वैल्यू हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, में ले लेकर जब ज़्यादा कम स्वैपिंग में ही हो रहा होता है कि हम स्विच कर रहे हैं यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ बजाय इसके कि एग्जीक्यूशन हमारा मन प्रोग्रेसिव वर्क कम हो जाता है एग्जीक्यूशन कम होती है और स्वेप पेजिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है तो उसको थ्रैशिंग बोलते हैं इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मेन मेमोरी इज़ वॉलाटाइल क्योंकि टेम्परेली डाटा को स्टोर कर रही होती है एंड टू स्मॉल और स्मॉल होती है टू तो अकोमोडेट आल प्रोग्राम्स परमानेंटली सो so, हम लोग सेकेंडरी मेमरी की तरफ मूव कर जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड द स्टोरेज टू बैकअप मेन मेमरी ठीक है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज फ्री स्पेस मैनेजमेंट स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन एंड डिस्क स्कै ठीक है तो सेकेंडरी मेमरी मैनेजमेंट में ये काम जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल कर रहा होगा इसके बाद बात करते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की जितने भी इनपुट आउटपुट के डिवाइज हैं उन सबको मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही का uh, काम होता है इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज क्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिंपलेस्ट इंटरफेस एंड ऑप्टिमाइज इनपुट आउटपुट मैक्सिमम कंकरेंसी ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिंपलेस्ट वे प्रोवाइड करें कि हम अपनी जो है जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज सच एज माउस की बोर्ड प्रिंटर एक्सेट्रा द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अ बफर कैशिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें एक बफ़र कैशिंग सिस्टम आ जाता है एक जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस आता है हर डिवाइस का ड्राइवर फॉर आ स्पेसिफ़िक हार्डवेयर डिवाइस और जो भी हार्डवेयर डिवाइस लगानी है उससे रिलेटेड एक ड्राइवर भी होता है ठीक है तो ये सारा कुछ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में आता है इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट भी करता है मीन फाइल बेसिकली क्या होती है फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय इट्स क्रिएटर ठीक है जो भी क्रिएटर होगा वो उसको उसके नाम के साथ वो उसको क्रिएट कर देगा अब फाइल कैन बी ऑफ एनी काइंड एज डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है जे फाइल हो सकती है कोई एम हो सकती है ठीक है इस तरह की कोई सी भी फाइल हमारे पास हो सकती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज़ ठीक है फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है कि वो फाइल की क्रिएशन और डिलीशन को देख रहा होता है उसकी डायरेक्टली मीन जो उसका पाथ है उसकी क्रिएशन और डिलीशन को देख रहा होता है इसके अलावा सपोर्ट फॉर प्रियमिटिव फॉर मैनुपलेटिंग फाइल्स वगैरह को देख रहा होता है इसके अलावा जो फाइल्स हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज में कहाँ पर मैप करना है किस जगह पर जाकर उनको लोकेट करना है ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा होता है इसके अलावा फाइल बैकअप और स्टेबल स्टोरेज मीडिया जैसे हम क्लाउड्स में जाके कर लेते हैं या जी मेल स्टोर कर लेते हैं या हम यू में कर लेते हैं तो इस तरह हम लोग बैकअप भी कर सकते हैं तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है इसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम आता है कि हम लोग समटाइम आप लोगों ने देखा होगा विंडो जब ऑन करते हैं तो पासवर्ड वगैरह लगा लेते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो अनऑथोराइज पर्सन के हाथ ना लग सके ठीक है एक कंप्यूटर जो होता है उसको मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो हम नहीं चाहते हमारा डाटा किसी और को के यूज़ में है किसी और के यूज़ में है ठीक है द प्रोटेक्शन रेफर्स टू द मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस बाय द प्रोग्राम प्रोसेस टू और यूज़र टू सिस्टम एंड रिसोर्सेज इट मस्ट डू द फॉलोइंग टास्क डिस्टिंग्विश बिटवीन अनऑथोराइज एंड अथराइज पर्सन ठीक है प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है उसको पता होता है कौन अथोराइज है और कौन अथोराइज नहीं है मीन जिसके पास पासवर्ड है इट्स मीन वो अथोराइज पर्सन है ठीक है स्पेसीफाई द कंट्रोल दैट आर टू बंपोज ठीक है और इसके अलावा कंट्रोल्स वगैरह भी देख रहा होता है इसके अलावा प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इन्फोर्समेंट और इन्फोर्समेंट के मीन मीन uh, उसके भी तरीके बता रहा होता है क्लियर इसके बाद नेटवर्किंग नेटवर्किंग में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस दैट डू नॉट शेयर मेमरी और क्लॉक ठीक है जो कि सेम सिस्टम में नहीं होता है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकली डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होते हैं ईच प्रोसेसर हैज़ अ सोन मेमोरी हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होगी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड एक्सेस टू द वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज द एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज अलाउ कंप्यूटेशन स्पीड अप हो सकती है ठीक है ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा होता है उसको डील कर रहा होता है इसके अलावा इंक्रीज डाटा अवेलेबिलिटी कर रहा होता है कि प्रोसेस से एक प्रोसेस जब दूसरे से लिंक करता है तो उनसे डाटा कैसे प्रोवाइड करना है उसको कैसे स्पीड अप करना है उसकी इंहेंसमेंट कैसे करनी है रिलाईबिलिटी में ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा होता है इसके बाद कमांड इंटरप्रेटर आ जाता है इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम आपने देखा होगा सम जब हम लोग सिस्टम में रन लिखते हैं तो हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर आ जाता है ठीक है एक डॉ जैसे हमारे डिस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक व्यू होता था इस तरह का आ जाए जहाँ पर हम लोग कमांड से भी काम कर सकते हैं इट रीड्स एंड एग्जीक्यूट द टेक्स्ट बेस्ड कमांड एंटर थ्रू द कीबोर्ड जो कि हम लोग की से अगर कोई वैल्यू एंटर करते हैं कोई कमांड देते हैं तो वो उसको भी रीड करता है द कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरप्रेटर और शेल द ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद द कमांड इन सच अवे कंट्रोल कार्ड इंटरप्रेटर कम ऑनलाइन इंटरप्रेटर एंड शेल इन यूनिक्स तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा